फ्रेंड्स, आपका स्वागत है रूबी की किचन में। आज मैं आपको बताने वाली हूँ भरवा करेले खट्टे मीठे कैसे बनाते हैं। इसके लिए मैंने लिया है करेला और ये प्याज चॉप किया हुआ। जो प्याज लिए थे उनको मैं पीसने जा रही हूँ। इनको ज़्यादा बारीक नहीं करना है, ज़्यादा बारीक करने से फिर वो मसाला अच्छा तैयार नहीं होगा करेले के लिए। अब मेरा प्याज ये पीस के तैयार हो गया है। देखिए, ज़्यादा बारीक नहीं किया मैंने। अब मैं इसमें डालूंगी आधा चम्मच हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर थोड़ा ज़्यादा डालेंगे हम, नमक स्वाद के अनुसार डालेंगे और हल्की सी मिर्ची। मिर्ची इसमें करेले में नहीं डालते हैं, नहीं तो करेला कड़वा हो जाता है। करेले लिए थे इनको बॉईल करने जा रही हूँ। करेले को डालूंगी कुकर में और सिर्फ एक कुकर में करेले मैंने डाल दिए हैं। इसमें एक गिलास पानी डाल देंगे, ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, नहीं तो करेले में पानी अंदर भर जाएगा। अब इसमें हम थोड़ा सा नमक डालेंगे। बॉईल करते टाइम हम इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे कि इसका कड़वापन करेले का निकल जाए, नहीं तो हमें खाने में टेस्ट नहीं आएगा। करेले बॉयल होते हैं तब तक हम मसाले को फ्राई कर लेते हैं। मैंने एक पैन लिया, उसमें थोड़ा सा जीरा डाला है। इसके बाद हम मसाला डालेंगे और मसाले को फ्राई कर लिए अच्छे से। हमारा मसाला टेस्टी और खाने में स्वादिष्ट बने। मेरे करेले ये बॉयल हो चुके हैं। मैंने ज़्यादा इनको बॉयल नहीं किया है, ज़्यादा करना भी नहीं है, नहीं तो ये खाने में अच्छे नहीं लगेंगे, गल जाएंगे। अब देखिए, मसाला मेरा रेडी हो चुका है भुनके। अब मैं इसमें थोड़ा सा अमचूर पाउडर डालूंगी। इसके बाद आपको मैं एक ट्रिक बताने वाली हूँ करेले की, स्पेशली ये आप जरूर देखिएगा। इसमें मैं थोड़ा सा गुड़ डालूंगी, इससे हमारे करेले में टेस्ट आ जाए खट्टा मीठा। अब मैं करेले को पीस से कट करूंगी। सारे करेले को जल्दी जल्दी से कट कर लेते हैं। करेले मसाला दोनों रेडी हो गए हैं भरने के लिए। अगर आप पीसेस करना चाहें तो छोटे छोटे ऐसे पीसेस भी कर सकते हैं, क्योंकि खाने में दिक्कत होती है और अच्छे भी नहीं लगते ज़्यादा बड़े बड़े देखने में, इसलिए हम इनको छोटे छोटे पीस करेंगे। पीस करने के बाद अब हम इसमें मसाला भरेंगे। ऐसे देखिए, मसाला पूरी तरह से हमारे करेले में अंदर भर चुका है। ये मसाला मैंने रेडी किया था, कितना देखने में टेस्टी और अच्छा लग रहा है। अब मैं भर लूँगी पूरा। ये मैंने मसाला भर के अपने ये रेडी कर लिए हैं। अब मैं इनको एक पैन में ऑयल डाल के मैंने रखा है, वो गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें एक एक करके करेले को डालूँगी और अच्छे से फ्राई करूँगी। और मैंने आपको जो ट्रिक बताई है उसमें जो गुड़ डाला है, खटाई डाली है, वो आप ज़रूर ट्राई करिएगा। उससे हमारे वो जो होते हैं करेले बड़े टेस्टी और अच्छे लगते हैं खाने में, इसलिए मैंने आपको ये बताया स्पेशली।